गुड आफ्टरनून एवरी वन आर नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लेटस आज के लेक्चर में हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लेटस की डेफिनेशन करेंगे फिर एग्जाम्पल करेंगे फिर उसके बाद एक ऐसे लेटस का भी एग्जाम्पल करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता सो so स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ए बी सी बिलोंगिंग्स टू एल इम्प्लाइज मतलब हमें क्या करना है तीन एलिमेंट्स लेने हैं लेटस के और हमें फाइंड करना है ए मीट बी जॉइन सी तो अगर ये मीट इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मीन्स पहले ए की आप मीट फाइन करोगे बी के साथ फिर ए की मीट फाइन करोगे सी के साथ और फिर उन दोनों की क्या कर दोगे ज्वाइन कर दोगे तो ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे दैट लेटस डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेस अब इसका एक एग्जाम्पल देखो हमने एक्स कोई भी सेट ले लिया और लेट हमें पता है कि उसका कोई भी पावर सेट बनाओ तो वो लेटेस्ट बनता है और उसकी जॉइन और मीट कैसे हम डिफाइन करते हैं जॉइन इज यूनियन एंड मीटर्स इंटरसेक्शन तो अब हम ये प्रॉपर्टी चेक करके देखेंगे मीन्स हम ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेंगे किसके एल के मीन्स पावर सेट ऑफ एक्स के मीन्स एक्स के कोई तीन सबसेट्स लेंगे सो ए बी सी बिलोंगिंग्स टू पी एक्स ये ले लिया हमने अब हमें पता है कि ये जो यूनियन और इंटरसेक्शंस हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ा तो यहां पे जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन क्या है मीट और जो यूनियन है दैट इज ज्वाइन तो ये नहीं डेफिनेशन बन गई जो हमने पढ़ी थी सो दिस मीन्स आर लेटर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव तो जो भी पावर सेट वाला लेटस होता है दैट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव चाहे आप कोई भी ले लो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल टू दिस इज इम्पॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली ये पूछा जाता है सो so, आप इसको ध्यान से पढ़ें सो so, एग्जाम्पल क्या है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो हमने एल को क्या ले लिया एन वेर एन इज वॉट एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो हमने लेटेस्ट किस को लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को और हमें पता है कि सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर्स में जो हम पार्शल ऑर्डरिंग डिफाइन करते हैं वो डिविजिबिलिटी से डिफाइन करते हैं और उसमें जो यूनियन और नॉट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ज्वाइन एंड मीट जो हम ज्वाइन करते है, वो LCM हैं वो एल से फाइंड होती है उन दो नंबर्स की और जो मीट करते हैं वो उन दोनों नंबर्स के जीसीडी से मिलती है ठीक है ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में पढ़ा हुआ है तो अब देखो सो ए बी सी हमने इसको क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि तीन एलिमेंट्स ले लिए एल के मीन्स हमने तीन नेचुरल नंबर्स ले लिए अब हमें पता है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा क्या होती है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को जो कि ग्रेटर देन वन है एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन कैन बी एज आज पावर्स ऑफ प्राइम्स जैसे हमारे पास 15 होता है लेट्स से 15 तो आप 15 को पावर्स ऑफ प्राइम में लिख सकते हो ना कैसे थ्री की पावर वन इन फाइव की पावर वन ठीक है सिमिलरली जैसे अगर थर्टी हो तो थर्टी क्या होता है सिक्स इंटू फाइव मीन्स ये क्या होता है टू इंटू थ्री इंटू फाइव तो आप थर्टी को ऐसे लिख सकते हो सिमिलरली आप एट को लिखना चाहो तो आप एट को कैसे लिख सकते हो टू टू दी पावर थ्री तो आप किसी भी नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन वन हो आप उसको पावर्स ऑफ प्राइम में लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स तो ए बी सी नेचुरल नंबर्स थे तो हमने इनको पावर्स ऑफ प्राइम में लिख दिया अब यहां ई वन ई टू ई एम देखो जैसे अभी मैंने ये टू की पावर थ्री लिखा तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो टू की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर जीरो इंटू फाइव की पावर जीरो रहेगा तो, तो अभी भी एट ना तो यहां पे जो प्राइम्स नहीं आ रहे होंगे आप उनके प्लेस पे क्या करोगे उनकी पावर जीरो रेस कर दोगे तो हमने सबके लिए कॉमन देखो प्राइम जो है वो पी वन पी टू पी एम तक ही लिए हैं उनकी पावर्स डिफरेंट कर दी हैं फोर्स के लिए ई वन ई टू ईम लिया देन एफ वन एफ टू एफ एम लिया और सी के लिए जी वन जी टू जी एम लिया तो जैसे भी होगा अगर पावर्स मिल रही होंगी फिर तो ठीक है अगर नहीं मिल रही होंगी तो वो वाले इंडेक्सेस क्या होंगे जीरो तो, तो लिखा हुआ है पी आई आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स एंड ई आई एफ आई जी आई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लिखना है पावर नेचुरल नंबर्स है ठीक है और हमें एक और चीज़ पता है कि हम जब भी किसी दो नंबर्स का एल या जी सी डी फाइंड करते हैं अगर मैंने एल सी एम फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं और अगर जी सी डी फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं ये हमारी जी सी डी होती है और ये हमारा क्या होता है एल सी एम तो जी सी डी मीन्स एच सी एफ अगर मैं बोलूँ आपको कि आप मेरे को फिफ्टीन और लेट्स से ट्वेंटी फिफ्टीन और ट्वेंटी का एच सी एफ फाइन करके दो जी सी डी फाइन करके दो तो आप कैसे करोगे कैसे फाइंड करते हैं हम क्या करेंगे इसको पावर्स हम क्या करेंगे इसके फैक्टर्स करेंगे 15 के फैक्टर करेंगे और 20 के फैक्टर करेंगे तो अगर 15 के फैक्टर किए दैट विल बी थ्री इंटू फाइव और 20 के फैक्टर्स करोगे तो वो क्या आएंगे फोर इंटू फाइव मीन्स टू इंटू टू इंटू फाइव तो हम क्या करते हैं पावर्स जो होती हैं उसकी मिनिमम पावर पिक करते हैं दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पे ये यह क्या आ गया फाइव ठीक है अगर आप इससे थोड़ा और बड़ा लोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा मीन्स अगर मैं यहाँ पे ट्वेंटी फाइव ले लू इससे बेटर है ट्वेंटी फाइव लो ठीक तो है तो ट्वेंटी फाइव है तो फाइव इंटू फाइव अब यहाँ फाइव की कितनी पावर है यहाँ पे पावर है फाइव की टू और यहाँ पे फाइव की पावर है वन तो जब आप जीसीडी फाइंड करोगे तो आप क्या लोगे क्योंकि पेयर बनाने होते हैं जो दोनों में कॉमन होता है वो लेना होता है तो आप मिनिमम पावर रहते हो और जब आपको एलसीएम फाइंड करना होता है तो आप मैक्सिमम बड़ी वाली पावर लेते हो अगर आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव ना ये आएगा इन दोनों का एलसीएम तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और जी में हम मिनिमम पावर लेते हैं तो ये जी था तो इसलिए मिनिमम पावर्स लिखा है और ये प्रोडक्ट कर दिया है ऐसे करते हैं ना देन यहाँ पे ये क्या है ये है एलसीएम तो एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर्स लेते हैं तो अभी तक मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक जो जो चीजें हमें पता है सिर्फ वो लिखा है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स में लिख सकते हैं वो लिख दिया है हमने सिर्फ ये लिखा है कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम जी कैसे फाइंड करते हैं अब एक और रिजल्ट देखो अगर हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है और अंदर एक और मिनिमम भी बैठा हो तो क्या होता है ये मिनिमम बाहर आ जाता है और ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैक्सिमम किसका फोर्स वाले का फोर्स के साथ पहले मैक्सिमम फाइंड करेंगे फिर इसी का इसके साथ मैक्सिमम फाइंड करेंगे और एट दी एंड दोनों का मिनिमम कर देंगे तो ये लिखा है मैक्सिमम ऑफ अल्फाइन बीटा मैक्सिमम ऑफ अल्फाइन गामा और एट दी एंड दोनों का मिनिमम कर लिया ऐसे ही अगर बाहर मिनिमम हो और अंदर मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम ये बाहर आ जाएगा ये मिनिमम पहले अल्फा का बीटा के साथ फिर अल्फा का गामा के साथ और बाद में ये मैक्सिमम ओवरऑल बाहर हमें क्या चेक करना था कि लेटस डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं और डिस्ट्रीब्यूटिव लेटस के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है हमें फाइंड करना होता है ए मीट बी जॉइन सी तो हम और इसको किसके इक्वल दिखाना होता है इसको पहले इसके साथ तो ए मीट बी जॉइन ए मीट सी तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड फाइंड करेंगे और राइट साइड फाइंड करेंगे तो लेट्स चेक आउट कि लेफ्ट साइड और राइट साइड सो देखो बी और सी ठीक है पहले हम बी और सी का क्या करें क्योंकि हमें फाइंड करना है क्या ए मीट बी जॉइन सी और जॉइन का क्या मतलब है जॉइन का मतलब होता है यहाँ जी सी डी तो जब आप जी सी डी फाइंड करोगे तो आप मिनिमम पावर लोगे तो पहले बी जॉइन सी फाइंड करते हैं तो मिनिमम पावर ली दोनों की ठीक है फिर हमें क्या करना है इसका ए के साथ क्या करना है मीट तो मीट करना है तो क्या करोगे मैक्सिमम पावर करोगे तो यहां पे जो इंडेक्सेस थे ये वाला एज इट इज लिख दिया मिनिमम ऑफ दिस और साथ में मैक्सिमम लगा दिया ए आई के साथ ठीक है इतना हो गया ये हमने फाइंड कर लिया ये वाली टर्म अब हमें और क्या फाइंड करना है हमें ये चेक करना है कि ये इन दोनों की ज्वाइन के इक्वल होना चाहिए तो ये दोनों भी फाइंड करो ठीक है सिर्फ डेफिनेशन लिखी है दोनों में मैक्सिमम मैक्सिमम लिख दिए दोनों के लिए इंडेक्सेस लिख दिए ए के लिए ई इंडेक्स यूज किया था बी के लिए एफ आई ऐसे ए के लिए ई आई और सी के लिए जी आई सिर्फ मैक्सिमम इंडेक्सेस लिखे हैं क्योंकि हम क्या फाइन करें दोनों की मीट फाइंड कर रहे हैं और मीट का क्या मीनिंग है एलसीएम एलसीएम में पावर आई मैक्सिमम तो इन दोनों की अब अब इन दोनों का क्या करना हमें दोनों का जॉइन फाइंड करना ज्वाइन मीन्स जी सी डी जीसीडी मीन्स मिनिमम पावर तो ये और ये जो दोनों मैक्सिमम थे इन दोनों का मिनिमम लिख दिया तो अगर ऐसे लिखा हो मिनिमम और अंदर मैक्सिमम तो क्या करते हैं मैक्सिमम बाहर आ जाता है अभी तो बताया था ना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो मैक्सिमम क्या होगा मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ से बाहर और ये मिनिमम चला जाएगा अंदर और जो दोनों में साथ आ रहा है वो एक ही बार लिखेंगे ई आई ऑफ मिनिमम ऑफ एफ आई कॉमा जी आई तो आप देखो ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों सेम है सो दिस मीन्स कि ए और ये जो आ गया ये किसके इक्वल आ गया इसके तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के आ गई दोनों सेम आ गई सो दिस कंप्लीट्स आर प्रूफ कि ये क्या है एक सो दिस इज और डिस्ट्रीब्यूटिव लेटर्स अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे में आता है, में पूछा जाता है सो एग्जाम्पल ऑफ अटर्स विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम क्या कर रहे हैं एस फोर लेटर मेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर एक्टिंग ऑन द सेट एस एस फोर इसी पे एक्ट करता है वन टू थ्री फोर अब हम क्या करेंगे लेटेस्ट लेटेस्ट क्या बना रहे हम सेट ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी और जब भी हम सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप्स का जब लेटेस्ट बनाते हैं तो हम जो जॉइन और मीट है वो कहाँ देते हैं जॉइन का मीनिंग होता है कि उन दोनों के यूनियन से जनरेट होने वाला चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो दोनों का मीनिंग सेम होता है एच और के से जनरेट होने वाला क्या मिलेगा हमें जॉइन देगा और मीट क्या देगा इंटरसेक्शन ये हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स में पढ़ा हुआ अब हम क्या कर रहे हैं ए बी सी तीन हमने सेट सेलेक्ट किया जनरेटेड बाय वन टू थ्री तीनों में कॉमन रखना है वन को एक बार पकड़ लिया वन 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 लिखा वन के अलावा और कौन है टू थ्री यूज कर सकते हो टू फोर यूज कर सकते हो थ्री फोर यूज कर सकते हो ठीक है तो ए बी सी हमने ले लिए फर्स्ट इज जनरेटेड बाय वन टू थ्री बी इज जनरेटेड बाय वन टू फोर एंड सी इज जनरेटेड बाय वन थ्री फोर तो जनरेटेड बाय वन टू थ्री क्या होगा एक तो आइडेंटिटी फिर वन टू थ्री बार वन टू थ्री आएगा फिर एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो सिमिलरली यहां पे भी one, two, four और identity, और आइडेंटिटी एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया वन फोर टू ऐसे ही सी भी लिख दिया अब थ्री साइकिल्स इवन पॉम्बेशन बनाती हैं यह हमें पता है तो अगर इवन पॉम्बेशन बनाती हैं तो ये ए फोर में जाएंगी ए फोर क्या होता है सारी इवन पॉम्बेशन का सेट एस फोर की इवन परमिटेशन का जो ग्रुप बनता है दैट इज ए फोर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ग्रुप सो ए बी सी आर सब ग्रुप्स ऑफ ए फोर क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं ये तीनों कहाँ गए ए फोर में गए सो दीज थ्री आर सब ग्रुप्स ऑफ ए फोर एंड वी ऑल्सो नो दैट ए फोर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर सिक्स और हमें क्या फाइंड करना है देखो वो जो हम लेटेस्ट से ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेते थे ना वो कौन से वाले हैं ये वाले तीन ए बी सी यही तीनों का यूज करना है हमने तो हमें क्या फाइंड करना है द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू फाइंड कि ए मीट बी जॉइन सी तो इन दोनों की जो जॉइन है जॉइन का मीनिंग क्या है यहाँ पे जनरेटेड बाय बी यूनियन सी तो हमें पहले ये फाइंड करना है फिर हम उसके मीट फाइंड करेंगे ए के साथ तो ये हो गया इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही चीज है अब क्योंकि B और C दोनों क्या है सब ग्रुप्स किसके A4 के तो इन इनकी यूनियन से जो जनरेट होगा वो भी A4 का ही सब ग्रुप होगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा B और C B और C का प्रोडक्ट भी कहाँ होगा A4 में ही होगा ठीक है तो ये जो और ये जो बी सी है ये कहाँ कंटेन होता है क्योंकि बी सी ये बी यूनियन सी का क्या मतलब बी और सी से जनरेट होने वाला तो बी और सी से क्या बी सी जनरेट नहीं होगा सो बी सी भी इसमें कंटेंट होगा हमने ये जो बार बार इतना बड़ा लिख रहा है ना बी यूनियन सी से जनरेट होने वाला इसको एक नेम दे दिया डी ठीक है तो हम जहाँ भी अब यूज करेंगे डी यूज करेंगे तो अब बी सी डी में कंटेंट है ठीक है और डी कहाँ है ए फोर में ठीक है हम कहाँ तक पहुंचे बी सी इज कंटेन्ड डी एंड इज कंटेन्ड ए फोर ये ध्यान रखना आपने तो ऑर्डर ऑफ बी सी ऑर्डर ऑफ टू मल्टी प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ एच इन के क्या होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ये होता है तो हमने यही अप्लाई किया अब बी का ऑर्डर बी का ऑर्डर कितने है जितने उसमें ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप सो so, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है वन टू थ्री सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है वन टू थ्री तो दोनों के अंदर थ्री थ्री एलिमेंट्स दोनों के इंटरसेक्शन दोनों के इंटरसेक्शन में देखो क्या कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है सिर्फ आइडेंटिटी मींस एक ही एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आएगा आइडेंटिटी तो ऑर्डर कितना होगा वन सो so, जो बी सी का ऑर्डर है दैट इज नाइन एंड बी सी इज अ सब ग्रुप ऑफ डी डी का सब ग्रुप है बी सी तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के या तो इक्वल होता है या फिर उससे छोटा होता है सो so, जो डी है जो ग्रुप है उसका ऑर्डर या तो नाइन हो सकता है क्योंकि उसका सब ग्रुप ही नाइन ऑर्डर का तो या तो नाइन होगा या नाइन से बड़ा होगा नाइन से कम नहीं होगा क्योंकि डी के पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर नाइन है सो ऑर्डर ऑफ डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नाइन अगेन डी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए फोर ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था ये देखो बी सी डी का सब ग्रुप है डी ए फोर का सब ग्रुप है सो डी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए फोर तो हमें पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है सो ऑर्डर ऑफ डी ऑर्डर ऑफ ए फोर अब ए फोर का ऑर्डर कितना होता है एस फोर के ऑर्डर को टू से डिवाइड करो सो ऑर्डर ऑफ एस फोर ऑर्डर ऑफ एस फोर इज फोर फैक्टोरियल सो दिस इज ट्वेंटी फोर तो ऑर्डर ऑफ ए फोर इज ट्वेंटी फोर बाय टू सो दिस इज टर्डर ऑफ डी d किसको डिवाइड कर रहा है ट्वेल्व को इतना आ गया ऑर्डर ऑफ डी ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है बट ऑर्डर ऑफ डी या तो नाइन है या नाइन से बड़ा तो क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो नाइन या नाइन से बड़ा हो और ट्वेल्व को डिवाइड कर दे नहीं वो सिर्फ ट्वेल्व ही हो सकता सिर्फ है सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है ट्वेल्व सो ऑर्डर ऑफ डी इज ट्वेल्व ऑर्डर ऑफ डी अगर ट्वेल्व आ गया और ट्वेल्व किसका ऑर्डर था ए फोर का तो ये क्या हो जाएगा डी ए फोर के इक्वल हो जाएगा सो दीन्स की यह जो बी यूनियन सी से जनरेट हो रहा है that is equals to A4. इतना क्लियर सो so, अगर हम फाइंड करें ये टर्म तो ये पूरा क्या है दिस इज ए फोर अभी फाइन किया है तो ए फोर और ए दोनों की हमें क्या करना है मीट और मीट मीन्स इंटरसेक्शन सो ए इंटरसेक्शन ए फोर ए क्या है सब ग्रुप ए फोर का तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा छोटा वाला छोटा वाला कौन है ए तो दोनों इंटरसेक्शन फाइंड कर ली थी अब हमें आगे राइट साइड फाइंड करनी है ठीक so right है सो वी आर डन विद द लेफ्ट साइड अब राइट साइड देखते हैं राइट साइड में क्या है इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है ए और बी का मीट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और ए और बी में क्या कॉमन है ए था हमारा क्या जनरेटेड बाय वन टू थ्री और बी क्या था जनरेटेड बाय वन टू फोर शायद देख लेना जो भी होगा ऐसी कुछ था तो इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ आइडेंटिटी आ रही थी और तो कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों में सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन आएगी चाहे आप ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करो चाहे ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करो तो आप एट दी एंड जब इन दोनों का ज्वाइन करोगे तो जनरेटेड बाय आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी सो ये क्या आएगा जनरेटेड बाय आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से सिर्फ क्या जनरेट होता है आइडेंटिटी सो जो हमारी राइट साइड आई वो आइडेंटिटी आई और जो हमारी लेफ्ट साइड आई वो ए आया एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी बिकॉज ए इज़ जनरेटेड बाय वन टू थ्री सो दिस एम्प्लाइज आर लेटस इज नॉट मॉडलर सो ये था एक एग्जाम्पल एक ऐसे लेटस का जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है